हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं, यहाँ पे 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है इंडिया का मिनी फेस्टिवल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो कि सीजन 2 चल रहा है। इस लीग में टोटल 5 टीम्स आपस में खेल रही हैं। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 8वें मैच की, जो कि खेला जाएगा यूपी वॉरियर वोमेन और गुजरात जायंट्स वोमेन्स के बीच में। दोनों टूर्नामेंट की बॉटम टीम्स है। यह मैच 1 मार्च को बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहां पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 41% रहेगा और टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 60% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 40% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 136 है, तो वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 138 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं ओवरऑल, जहाँ पे यूपी वॉरियर वोमेन 1 मैच जीत के आ रही है, तो गुजरात जायंट्स भी वोमेन 1 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस में सेशन की जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं पहली टीम गुजरात जायंट्स वोमेन का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने टूर्नामेंट में अब तक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करके आ रही है। टीम अब तक खेले गए दोनों मैच में हार गई है और पॉइंट टेबल सबसे नीचे स्टेबल है। टीम की बैटिंग भी फ्लॉप चल रही है। अगर लास्ट गेम में बात करें तो जहां पे पहले बैटिंग करते हुए बस 107 रन ही बना पाई। वहीं बैटिंग में बात करें तो बेथ मुनी जो कि टीम की कैप्टन है, ओपनिंग में जहां पे बेथ मुनी के साथ हार्ली ड्योल भी उतर रही है, दोनों जल्दी आउट हो गई थी। वहीं मिडिल ऑर्डर में जहां पे एस गार्डनर, वेदा कृष्णा मूर्ति, फोइब लिपछिविल जो कि मजबूती और स्ट्राइकिंग लाते हैं, वहीं लो ऑर्डर में जहां पे हेमलता ने सबसे ज़्यादा 31 रन बनाए थे, वही टीम के लीडिंग रन स्कोरर है। ऑलराउंडर में जहां पे कैथलीन ब्राइस है, स्नेहा राणा है, वहीं बॉलिंग में जहां पे टीम बस 2 विकेट ही ले पाई। अगर बॉलिंग में बात करें तो लीड तहू और कैथरीन ब्राइस के रूप में 2 फास्ट बॉलर है, जहां पे तनुजा कन्वर स्पिन बॉलिंग करेगी, वहीं मेघना सिंह ब्रेक थ्रू दिला सकती है, जहां पे एस गार्डनर ने भी 1 विकेट ली थी। बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे बेथ मुनी जो कि कप्तान है, हार्लिन डियोल, एस गार्डनर है, वेदा कृष्णा मूर्ति है, हेमलता है, फोइब लिचफील्ड है, स्नेह राणा, ली तहू है, कैथरीन ब्राइस है, तनुजा कन्वर है और मेघना सिंह है। कुछ की प्लेयर की बात करें जहाँ पे हेमलता है, बेथ मुनी है, तनुजा कन्वर है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी यूपी वॉरियर वोमेन का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम को पहले मैच में RCB से हार मिली थी, फिर अगले मैच में टीम दिल्ली से भी हार गई थी। टीम अब तक जीती नहीं है, पॉइंट टेबल टीम नंबर 4 पे स्टेबल है। लास्ट गेम में जहां पे टीम ने पहले ही बैटिंग करते हुए 119 रन ही बना पाई थी, वहीं ओपनिंग में जहां पे कैप्टन एलाइस हेली एंड वृंदा दिनेश उतरी थी। नंबर 3 और 4 पे एक्सपीरियंस तहलिया मैकग्रेट एंड ग्रेस हैरिस खेल रही है, जहां पे लोअर ऑर्डर में श्वेता श्रावत एंड किरण नेगरी है। श्वेता ने लास्ट गेम में जहां पे सबसे ज़्यादा 45 रन बनाए तो वो टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। वहीं ऑलराउंडर में जहां पे दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस है, वे अकेले अपने बैटिंग स्किल के साथ मैच जीतने में एबल है। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी टीम सबसे ज़्यादा फ्लॉप चल रही है, बस 1 विकेट ही ले पाई थी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जहां पे सोफी एल्स्टोन है, दीप्ति शर्मा है, राजेश्वरी गायकवाड़ की तगड़ी विकेट देखने में मिल सकती है, एबल भी है विकेट लेने के लिए। जहां पे गौर सुल्ताना विकेट लिस्ट थी, मैग्रेट एंड ग्रेस हैरिस भी टाइम पर विकेट ले सकती है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे तहलिया मैकग्रेट है, एलिसा हेली जो कि कप्तान विकेट कीपर दोनों है, किरण नेगरी है, ग्रेस हैरिस, श्वेता श्रावत है, वृंदा दिनेश है, सैमा ठाकुर है, सोफी एलेस्ट्रोन है, दीप्ति शर्मा है, राजेश्वरी गायकवाड़ है, पूनम खेमर है। कुछ की प्लेयर की बात करें जो पे तहलिया मैकग्रेट है, ग्रेस हैरिस है और राजेश्वरी गायकवाड़ है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में यहाँ पे गुजरात जायंट्स वोमेन्स हो सकता है, यहाँ पे यूपी वॉरियर को हार मिल सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।